सो दोस्तों, फाइनली हमें 2020 में एक गुड न्यूज़ सुनने को मिली है, जो कि जब से 2020 शुरू हो रहा हुआ है तब से हमें बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज ही हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिली है कि टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन, जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन थे, उनको बैन कर दिया गया है इंडिया से। और दोस्तों, सबको मतलब कि फोड़ दिया है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया है। और आप भी इस लाइक बटन को तोड़ फोड़ दो जल्दी से, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। दोस्तों, बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही घटिया आदमी है ये चाइनीज़ के, जो कि हमारे डाटा को लीक कर रहे थे इन चाइनीज़ एप्लीकेशंस की मदद से। तो फाइनली इनको डिलीट कर दिया गया है। और देखते हैं कि पबजी, इनमें से पबजी भी एक है वैसे, वैसे वो साउथ कोरियन की ओर से है पबजी। तो देखते हैं कि पबजी भी डिलीट होता है या नहीं, उसको भी बैन किया जाता है या नहीं। तो देखते हैं कि होता है या नहीं। वैसे तो मुश्किल है कि ऐसा होगा, क्योंकि वो साउथ कोरियन की ओर से हैं, तो ऐसा मुश्किल है। और सेक्शन 69A के तहत इनको रिमूव कर दिया गया है प्ले स्टोर और iOS स्टोर से। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है हमारे लिए। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा, जो कि हमारा प्राइवेट डाटा है, ये उसको लीक कर रही थी। एक तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारे मोबाइल स्मार्टफोन को हैक कर रही थी, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने इसको बैन कर दिया है प्ले स्टोर से। हालांकि अब आपको ये ऐप्स जो कि हैं, ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर जो ऐप्स है चाइना के, जो कि रिमूव किए हैं, वो है टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, हेलो, सेरिट और अदर्स ऐसे एप्लीकेशन हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट दिखा दूँगा, ये देख लो आप। तो ये एप्लीकेशन है जो कि रिमूव कर दिए गए हैं iOS और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, अगर ये आपके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन आपको नज़र आते हैं, तो अपने मोबाइल से कचरे को साफ़ कर दो। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल से इस कचरे को साफ़ कर दो बिल्कुल। और जो कि एक एप्लीकेशन थी प्ले स्टोर पर रिमूव चाइनीज़ ऐप्स के नाम से, तो वो भी मतलब वो एप्लीकेशन भी इन एप्लीकेशन को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली ये जो कि मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाया हूँ, और एक बार और देख लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप इसका। तो इन एप्लीकेशंस को आप एक एक करके, जो कि आपके मोबाइल में होगी, आप उनको रिमूव कर दो, या फिर आपने पहले से ही कर दी होगी। तो खुद से करना, उस एप्लीकेशन से मत करना जो कि प्ले स्टोर पर मिलती है रिमूव चाइना ऐप्स के नाम से, तो वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती। और दोस्तों, तो जो टिकटॉक के सीईओ हैं निखिल गांधी, वे बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कि डाटा को टिकटॉक की वजह से हम लीक कर पा रहे हैं उसका डाटा, जो कि इंडिया के 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, कि उसका डाटा हम लीक नहीं कर पा रहे, ऐसा टिकटॉक के जो सीईओ है निखिल गांधी वो बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चाइनीज़ जो चाइना के जो बंदे हैं, जो चाइनीज़ है, ये कितने घटिया किस्म के आदमी हैं, जो कि क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो दोस्तों, इसी वजह से इनको रिमूव कर दिया गया है। और बहुत टाइम से जो कि ये चाइना वर्सेस इंडिया चल रहा है, जिसमें हमारे इंडिया आर्मी के नौजवान भी शहीद हुए हैं कुछ। तो दोस्तों, इसलिए इनको रिमूव कर दिया गया है इन एप्लीकेशंस को। और आपको, और दोस्तों, जो हमारे इंडियन आर्मी के जो फौजी हैं, उनका भी एक वीडियो आप देख सकते हो, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आर्मी के फौजी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप बॉर्डर पे वो लड़ रहे हैं आपके लिए, तो आप इतना नहीं कर सकते कि आप चाइनीज़ एप्लीकेशंस को डिलीट कर दो और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। बाइकआउट करना तो अभी पॉसिबल नहीं है इतना, लेकिन आप चाइनीज़ एप्लीकेशंस तो यूज़ मत करो। और इस बात को तो कह नहीं सकते कि पबजी भी बैन होगा, क्योंकि वो साउथ कोरियन की ओर से है पबजी। तो आगे देखते हैं कि पबजी भी बैन होता है या नहीं होता है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मुश्किल ही मुझको लगता है कि पबजी बैन होगा। और दोस्तों, जितने भी टिकटॉक यूज़र्स हैं, मतलब कि जो थे जो टिकटॉक यूज़र्स थे, अब वे कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे वो, क्या बनाएंगे, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, वो क्या करेंगे। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वेलकम है आपका यूट्यूब में, आप आ सकते हो और अपने टैलेंट को यहाँ पर यूट्यूब पर दिखाओ। और टिकटॉक की जहाँ तक बात करें हम, कि टिकटॉक तो रिमूव हो चुका है, और अगर आपको टिकटॉक जैसी अब कोई और एप्लीकेशन चाहिए, तो वो जल्दी आपके सामने आने वाली है, यूट्यूब की है, जो कि क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो लाने वाला है। तो उसका वेट कीजिए आप, अगर आपको
अगर आपको टिकटॉक जैसी ही वीडियो शूट करनी है, नहीं तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो। यूट्यूब पर आप अपना टैलेंट टैलेंट दिखाइए, यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और आपसे मेरी तो यही विनती है कि बिल्कुल हटा दो जितना भी कचरा है आपके मोबाइल में, चाइनीज जितना भी कचरा है सबको हटा दो। मेरे मोबाइल में जो भी होगा मैं हटा दूंगा उसको भी। वैसे कुछ ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा कचरा होगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आपको मिल जाए।